Namaste everybody. This is Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator and college teacher. फिर से एक बार मैं सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में. अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो या अच्छे पेरेंट्स हो या टीचर हो या अंग्रेजी बोलने का मकसद रखने वाले कोई भी हो, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू. वॉच द फुल वीडियो. आपको हमारे चैनल पर अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक नॉलेज और अंग्रेजी सीखने के लिए बेसिक नॉलेज पूरा का पूरा हम देते हैं. यही हमारा मकसद है. सो डोंट स्किप, प्लीज स्टे विद अस. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले वीडियोज में हमने आम इज आर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किस प्रोनाउंस के साथ आम, किस प्रोनाउंस के साथ इज, किस प्रोनाउंस के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है वो देखा है. और सेकंड वीडियो में वी हैव स्टडीड अबाउट वाज एंड वर. और दिस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट शाल बी एंड विल बी, हाउ दे आर यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस. और किस प्रोनाउंस के साथ शाल और किस प्रोनाउंस के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं. इसके अलावा हाउ टू कन्वर्ट स्टेटमेंट्स इन टू यस नो क्वेश्चंस, व्हाट आर देयर नेगेटिव फॉर्म्स एंड व्हाट आर देयर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. सो प्लीज स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट. सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शैल बी एंड विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस. Before it, let's see that there are two types of verbs. दो तरह के verbs होते हैं functions के आधार पर, and those are main verbs and helping verbs. इस helping verbs को हम auxiliary verbs भी कहते हैं. Now see these two examples. She will be happy and we shall be soldiers. She will be happy और we shall be soldiers, इन दोनों examples में simple future tense एक्सप्रेस किया हुआ है और विल बी और शैल बी का इस्तेमाल किया हुआ है. नाउ सी फ्रेंड्स, फॉर्म्स ऑफ टू बी, दोज आर आम इज आ, वॉज व, शैल बी एंड विल बी. हमें मालूम है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आम इज आ का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल पास्ट में वॉज व का इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाता है. Now see, generally in simple future tense में shall का इस्तेमाल I और we के बाद किया जाता है और सामान्यतः he, she, it, you and they के बाद will का इस्तेमाल किया जाता है. But in modern English, shall is very rarely used. Will का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आप grammatically देखें तो I और we के बाद में shall का और he, she, it, you और they के बाद में will का इस्तेमाल सामान्य परिस्थिति में किया जाता है. लेकिन आपको कुछ स्ट्रांग प्रॉमिस, स्ट्रांग कमिटमेंट करना है, स्ट्रांग सिचुएशन को दर्शाना है, आई और वी के बाद में विल का और ही, सी, इट, यू, दे के बाद में शैल का भी इस्तेमाल किया जाता है. प्लीज डू रिमेम्बर, दैट्स नाइस. नाउ सी, हियर इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. Fill in the boxes with correct form of shall be and will be. ये सामान्य परिस्थिति है और सामान्य परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए आपको shall be और will be का इस्तेमाल करना है. So here is the first set of exercise for you. दोस्तों प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए. And here are the answers. He will be a director. We shall be teachers. You will be a tutor. You will be voters, I shall be an engineer. Example number 2 और 5 में we और I के बाद में shall का इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी in other examples we see the use of will. Again the second set of examples for you. फिर से एक बार वीडियो पॉज कीजिए और आपके जवाब दीजिए. And here are the answers. I shall be a dancer. It will be a good food. They will be soldiers. Mr. Patil will be a judge. My friends will be there. That's great. Now see,
the next, that is simple present, simple past, simple future. ये जो वीडियो है वो सिंपल फ्यूचर के बारे में है और पिछले दो वीडियो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के थे, इसलिए हम कंपैरेटिव चार्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का देखने जा रहे हैं। तो प्रोनाउंस जो रहते हैं वो प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस के बाद में सिंपल प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल पास्ट में क्या इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल फ्यूचर में क्या इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर दिस स्लाइड। So I am in simple present, I was in simple past, and I shall be in simple future. We are, we were, we shall be. Repeat. We are, we were, we shall be. You are, you were, you will be. You are, you were, you will be. Great. Again see. Some more examples. He is, he was, he will be. She is, she was, she will be. Simple present, it is. Simple past, it was. Simple future, it will be. Simple present, they are. Simple past, they were. And simple future, they will be. Now, here are some examples for you. I am a student. Example ko aapko simple past mein karna hai. Kya hoga? I were? No. I was? Yes. I was a student. Simple future kya hoga? Try. This is for you. We are teachers. इसका आपको simple past और simple future करना है, देखना है कि we के बाद में simple past में क्या आता है और simple future में क्या आता है. Okay? Third example, you are a soldier. फिर एक बार इसका simple past और simple future में आपको convert करना है. Fourth example में simple past दिया हुआ है, इसका simple present और simple future आपको करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर प्लेयर्स, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर आपको करना है. इट इज़ एन एप्पल, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर करना है. ही, सिंपल पास्ट दिया हुआ है और आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर करना है. पॉज द वीडियो एंड गिव द राइट आंसर्स. विश ऑल द बेस्ट. यस नो क्वेश्चन हमें देखना है. अभी देखो, हिमालय विल बी द हाइस्ट माउंटेन, ये स्टेटमेंट है. इसका यस नो क्वेश्चन हमको बनाना है. तो क्या किया, विल हिमालया बी द हाइस्ट माउंटेन. विल को पहले लिया हुआ है और लास्ट में माउंटेन के बाद में जो फुल स्टॉप था वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और लास्ट वर्ड क्वेश्चंस का जो भी रहता है यस नो क्वेश्चंस में उसको राइजिंग टोन में प्रोनाउंस करना है. कैसे, माउंटेन से आफ्टर में माउंटेन. दैट्स ग्रेट. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज convert the following sentences into yes no questions and here is the first set for you. kya karna hai, sirf will aur shall ko pehle lena hai aur baad mein full stop ke bajaye aapko question mark dena hai. aur yaad rahe ki kisi bhi sentence ka pehle word ka pehla letter is always in capital, be remember. pause the video and answer the questions and here are the answers. Will he be a director? Shall we be teachers? Will you be a tutor? Will you be voters? Shall I be an engineer? Great. Now see the second set of examples for you. Pause the video and answer the questions. Here are the answers. Will he be a dancer? Will it be a mobile? Will they be soldiers? Will Mr. Raj be a judge? Will my friends be there? That's great. Very nice. Now see negative forms. Negative form and contracted negative form. I shall not, I shan't. We shall not, we shan't. But be remember, these negative forms of shall not are very rarely used. In modern English, will is always preferred. Now see, he will not, he won't. She will not, she won't. It will not, it won't. You will not, you won't. They will not, they won't. That's great. Now see,
short form of will and shall is always ill as follows. No difference as far as short form of will and shall is concerned. I shall, I'll, we shall, will, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, it'll, they will, they'll. यहाँ पे एक बात आपके समझ में आई होगी कि शाल हो या विल हो, शॉर्ट फॉर्म हमेशा एपोस्ट्रॉफी लगा के डबल एल यानी कि इल इल. नाउ से आफ्टर मी, आई विल, हिल हिल, सिल इडिल देल. सुपर.